हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, जोहार, झारखंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आज आप लोग को दिलाने वाले सेकेंड हैंड बाइक, वो भी सारे डिमांडेड बाइक आप लोग को दिलाने वाले, जो भी सेकेंड हैंड में आता है सारे डिमांडेड बाइक दिखाने वाले। देख सकते हैं आप लोग, स्पोर्ट बाइक दिलाने वाले हैं आप लोग को, कुछ कुछ माइलेज बाइक भी दिलाने वाले हैं। ड्यूक ढूंढते हैं और ड्यूक भी मिल जाएगा, RS मिलने वाला है, R15 भी आप लोग को मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं यहाँ के ओनर से और डिटेल लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं। हेलो भैया, कैसे है? बेहतर है भैया, बताइए। लोगों को बताइए अभी हम लोग कहाँ आ गए हैं। हम लोग आ गए इरबा बाइक हब। बाइक हब यहाँ पे कौन कौन सा बाइक मिलने वाला है लोगों? सारी बाइक आपको मिलने वाली है, A to Z बाइक। A to Z सारा बाइक मिल जाएगा, स्पोर्ट बाइक भी मिल जाएगा, सारी बाइक मिल जाएगी। फाइनेंस हो जाएगा? हो जाएगा। फाइनेंस हो जाएगा, कहाँ तक फाइनेंस होगा ये वीडियो में बताएंगे आप लोगों। चलिए शुरू करते हैं, वहाँ शुरू करते हैं हम लोग। आ जाओ। ये बाइक के बारे में बताइए, कौन सा बाइक होने वाला है, मॉडल वगैरह बताइए। ये अपाची 160 होने वाली है। 160 होने वाले का 2V, ये काफी डिमांडेबल बाइक है। ये होने वाली है 2023 की। 2023 की मॉडल। कितना चला हुआ है? 5000। 5000 प्राइस क्या होगा इसका? 1,25,000। 1,25,000 फाइनेंस हो जाएगा? हो जाएगा। आने के बाद डिस्काउंट होगा? बिल्कुल होगा, डिस्काउंट डिस्काउंट भी होगा। पेपर वगैरह का सारा वर्क आप लोग को बताएंगे। दूसरे बाइक की तरफ चलते हैं। ये बाइक कौन सा होने वाला है? ये अपाची की होने वाली है 4V। 2019 का मॉडल होने वाली है। 2019 की मॉडल होने वाली। कितना रनिंग कितना है? ये 20,000 चली हुई है। 20,000 चली हुई है। प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 80,000। 80,000 प्राइस होने वाला है। देख सकते हैं गाइस, डिस्काउंट वगैरह सारा बाइक में आप लोग को मिलेगा, ये बता चुके हैं। तो चलिए दूसरे बाइक की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये NS 200 होने वाली है, 2017 का मॉडल। ये 16,000 चली हुई है। 16,000 चला हुई। प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 90,000। 90,000 मिलने वाला है। 200 होने वाला है। हाँ, 200 होने वाला है। 200 होने वाला है गाइस। मॉडल कब का बताएं? 17 का मॉडल। 2017 का मॉडल होने वाला। देख सकते हैं ड्यूक दिखाने वाले आप लोग को। ड्यूक कितना सीसी का है ये? ये ड्यूक 125 होने वाली है, 2023 मॉडल। 2023 मॉडल होने वाला है, 125 होने वाला है गाइस। और प्राइस की बात करेंगे, प्राइस क्या देना होगा इसमें? 1,45,000। 1,45,000। और डाउन पेमेंट कितना देना होगा सर? इसमें 60,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 60,000 देना होगा। मतलब कितना परसेंट देना होता है? 38% देना होता है आप लोग को। देख सकते हैं, चलिए आगे चलते सकते हैं। ड्यूक 250 होने वाला, इसके बारे में बताइए भैया। 2021 का मॉडल होने वाली है। ये चली हुई है 20,000 किलोमीटर। 20,000 चली हुई है। और प्राइस क्या होगा इसका? 2,10,000। 2,10,000 होने वाला है गाइस। इसमें भी आप लोग को डिस्काउंट मिलने वाला है। डाउन पेमेंट कितना देना होगा इसमें? इसमें 1,00,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 1,00,000 में घर ले जा सकते हैं लोग? लेके जा सकते हैं। लेके जा सकते हैं। देख सकते हैं ये बाइक, देख सकते हैं इसका कंडीशन। बताइए इसका डिटेल बताइए इसका। ये ड्यूक की 250 ये भी होने वाली है। ये 2022 की मॉडल है। 2022 की मॉडल है। और ये कलर बहुत डिमांडेबल कलर है। और रनिंग वगैरह बताइए। ये चली हुई है 10,000 किलोमीटर। 10,000 चली हुई। टायर वगैरह देख सकते हैं, टायर वगैरह न्यू होने वाला है गाइस। देख सकते हैं एकदम मिंट कंडीशन में होने वाला है बाइक, लाइक न्यू होने वाला है। प्राइस की बात करें, प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 2,40,000। 2,40,000 होने वाला है गाइस। सब में आप लोग को फाइनेंस हो जाएगा। 38% आप लोग को डाउन पेमेंट देना होगा प्राइस से। ये बाइक के बारे में बताएंगे, ये बाइक कौन सा होने वाला है? ये भी 250 होने वाली है। ये 22 एंडिंग की होने वाली है। 22 एंडिंग मतलब 2023 समझ लीजिए। 2023 समझ लीजिए इसको। ये सिर्फ 8,500 चली हुई है। 8,500 किलोमीटर चली हुई है। देख सकते हैं गाइस, और कंडीशन एक बार सामने से दिखा दो। देख सकते हैं गाइस आप लोग, कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं, और एकदम मिंट कंडीशन होने वाला है। प्राइस की बात करें, प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 2,45,000। 2,45,000 होने वाला है गाइस। दूसरे बाइक की तरफ चलेंगे। देख सकते हैं KTM RC कितने सीसी का होने वाला है? ये RC 125 होने वाली है। ये 2021 का मॉडल है। 2021 की मॉडल होने वाली है। रनिंग क्या होगा इसका? इसका रनिंग है 20,000। 20,000 प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 1,28,000। 1,28,000। इसमें भी डाउन पेमेंट देके ले सकते हैं लोग? बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। R15 भी आप लोग को दिलाने वाले, देख सकते हैं। नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं। R15 का V3 होने वाला है, ब्लैक। काफी डिमांडेबल है ये ब्लैक कलर। ये होने वाली है 2021 की। 2021 रनिंग क्या है इसका? इसका रनिंग 11,000। 11,000 होने वाला है। प्राइस क्या बोले इसका? 1,25,000। 1,25,000 मिलने वाला है। R15 V3 ब्लैक एडिशन, जो कि काफी डिमांड में चलता है गाइस। देख सकते हैं। दूसरे बाइक की तरफ चलेंगे। ये बाइक के बारे में बताइए, डोमिनार। ये डोमिनार की 250 होने वाली है। 250 डोमिनार का। देख सकते हैं गाइस, रनिंग क्या हो जाएगा इसका? इसका रनिंग है 5,000 किलोमीटर। 5,000 चला हुआ है। ये देख सकते हैं गाइस, कंडीशन वगैरह एक बार सामने से दिखा दो। टायर वगैरह सारा कुछ आप लोग चेक कर सकते हो, आके भी चेक कर सकते हो आप लोग। फोन में तो उतना दिखता नहीं, एक बार विजिट कीजिएगा तब आप लोग को पता चलेगा। रनिंग कितना बोले इसका? इसका रनिंग है 5,000। 5,000 रनिंग है। प्राइस की बात करें, प्राइस कितना देना होगा? 1,65,000। 1,65,000। और डिस्काउंट वगैरह तो सारा में होगा? हाँ, सारा में गाड़ी में डिस्काउंट है। धनतेरस में क्या दे रहे हो ऊपर लोगों को, ये बताइए? 5 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं और हेलमेट दे रहे हैं। 5 लीटर फ्री देने वाले हैं और हेलमेट देने वाले। हेलमेट फ्री मिलने वाला है गाइस आप लोग। तो कैसे मिलेगा, उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो भैया ये कौन सा बाइक होने वाला है बताइए लोगों को? ये CBR 250 होने वाली है, 2016 का मॉडल होने वाली है। ये चली हुई है मात्र 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर मात्र चली हुई है। आस्किंग प्राइस क्या होने वाला है इसका बताइए? 85,000 रुपए। 85,000
इसमें होगा फाइनेंस? नहीं, इसमें 16 मॉडल में फाइनेंस नहीं होगा, जो मॉडल में फाइनेंस 17 सुपर की गाड़ियां रहेंगी उनमें फाइनेंस होगा। जो भी 2017 से ऊपर का है उसमें हो जाएगा आप लोग को फाइनेंस, इसमें फाइनेंस नहीं होना है, इसको आप लोग कैश में ले सकते हैं। नेक्स्ट बाइक की तरफ जाएंगे, आरएस। ये आरएस होने वाली है, ये 2017 की, ये भी होने वाली है 2017 की होने वाली, देख सकते हैं गाइस। ये चली हुई है 30,000 किलोमीटर चली हुई, इसका प्राइस है 1,00,000। 1,00,000 इसमें फाइनेंस होगा? नहीं, 17 की गाड़ी में फाइनेंस नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा, ये भी आप कैश में लेके जा सकते हैं। दूसरा बाइक चलेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को माइलेज वाली बाइक, साइन एसपी। ये साइन एसपी होने वाली है, ये होने वाली है 2020 का मॉडल, 2020 का मॉडल होने वाला है। इसका आपको पड़ेगा 65,000 रुपए, 65,000 पड़ने वाला है। रनिंग ये चली हुई है 16,000 किलोमीटर, 16,000 इसमें फाइनेंस हो जाएगा? हाँ, इसमें फाइनेंस हो जाएगा, इसमें फाइनेंस हो जाएगा गाइस, देख सकते हैं 38% आप लोग को देना होगा। और ये देख सकते हैं ये कौन सा बाइक होने वाला है, ये N160 होने वाली है, काफी अभी ट्रेंडिंग में ये बाइक चल रही है, पल्सर का होने वाला है, पल्सर की होने वाली है। ये आपको पड़ेगी 1,20,000 रुपए, 1,20,000। हाँ, ये 2022 का मॉडल है और ये मात्र 6,000 आसपास चली हुई है, 6,000 आसपास चली हुई गाइस, देख सकते हैं कंडीशन तो एकदम, मतलब कि एकदम अच्छा कंडीशन होने वाला है, देख सकते हैं आप लोग टायर वगैरह सारा कुछ अच्छा होने वाला है, 80% टायर आप लोग को मिलने वाला है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस बाइक एकदम कंडीशन में होने वाला है। प्राइस कितना बोले इसका? 1,20,000, 1,20,000 में आप लोग को मिलने वाला है गाइस, डिस्काउंट आप लोग को एकदम मिलेगा ही मिलेगा आने के बाद। नेक्स्ट बाइक की तरफ जाएंगे हम लोग, ये बाइक होने वाली है ग्लैमर, ग्लैमर ये 2022 का मॉडल होने वाली है, ये आपको देंगे मात्र 60,000 में, 60,000 में मिलने वाला है। रनिंग क्या हो जाएगा इसका? इसका रनिंग है 16,500, 16,500। पेपर वर्क के बारे में बताइए लोगों को, मतलब कि नाम ट्रांसफर का चार्ज अलग से देना होगा या फिर इनपे इंक्लूड होगा? नहीं, नाम ट्रांसफर का आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी कैश में परचेज करते हैं तो आपको 3,000 देना पड़ेगा और फाइनेंस करवाते हैं तो 4,500 देना पड़ेगा, मतलब कैश में लेते हैं तो 3,000 लगने वाला है और फाइनेंस कराते हैं तो 4,500 लगेगा आप लोग को नाम ट्रांसफर का, ये बात याद रखिएगा। स्कूटी दिखाने वाले, ये होने वाली है फसीनो 2017 का मॉडल, इसका प्राइस है 35,000 रुपए, 35,000, हाँ 35,000। इसका रनिंग क्या है? इसका रनिंग है 25,000, 25,000 रनिंग है, 35,000 है, मात्र 35,000, मात्र 35,000। डिस्काउंट होगा इसमें भी? हो जाएगा, इसमें भी डिस्काउंट होने वाला है। नेक्स्ट स्कूटी दिखाएंगे आप लोग को, इंटोर्क। ये इंटोर्क होने वाली है, काफी डिमांडेबल गाड़ी है, ये इंटोर्क में रेस एडिशन होने वाली है, रेस एडिशन होने वाला है, रेस एडिशन काफी डिमांड में चलता है इंटोर्क, आप लोग ढूंढते हो इंटोर्क की स्कूटर, देख सकते हैं लेके आ चुके हैं। बताइए भैया इसके बारे में। ये 2021 का मॉडल होने वाली है, ये चली हुई है 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर चले। आस्किंग प्राइस क्या होने वाला है इसका? 70,000, 70,000 देख सकते हैं, 70,000 होने वाला है, उसमें भी आप लोग को डिस्काउंट कुछ ना कुछ तो होगा ही आने के बाद। चलिए नेक्स्ट स्कूटी की तरफ जाते हैं, और ये कौन सा होने वाला है? वेस्पा होने वाली है। मॉडल कब का हो जाएगा ये? ये 19 का मॉडल हो जाएगा, 19 का हो जाएगा। रनिंग वगैरह बताइए इसका? ये चली हुई है 16,000, 16,000। प्राइस की बात करें, प्राइस क्या देना होगा लोगों? इसका प्राइस आपको 45,000 रुपए, 45,000 देख सकते हैं गाइस, मात्र 45,000 में आप लोग को मिलने वाला है वेस्पा। और ये स्कूटी की तरफ जाएंगे, ये स्कूटी, ये जुपिटर होने वाली है टीवीएस की, ये भी 2020 का मॉडल है, ये आपको मिलेगी, ये भी 45,000 में दे, 45,000। रनिंग क्या है इसका? इसका रनिंग है 18,000, 18,000 देख सकते हैं गाइस, ये भी आप लोग को मिलने वाला है। प्राइस क्या बोले इसका? 45,000, 45,000 में मिलने वाला है गाइस आप लोग को, देख सकते हैं। फाइनेंस के लिए लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा ये बता दीजिए लोगों को। फाइनेंस के लिए 21 साल होना मैंडेटरी है, 21 साल होना जरूरी है, जरूरी है 21 साल होना, और आधार कार्ड, आधार कार्ड, हाँ, पासबुक, पासबुक और पैन कार्ड, बस पैन कार्ड होना चाहिए, हाँ। पासबुक होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। और जो रांची से आ रहे हैं उनके लिए तो हो जाएगा फाइनेंस, और जो रांची के बाहर से, पूरा ऑल ओवर झारखंड हो जाएगा, ऑल ओवर झारखंड में फाइनेंस होने वाला है। जो रांची के बाहर से रहेंगे उन्हें 3 MI एडवांस भी देना पड़ेगा, 3 MI एडवांस देना, रांची से बाहर के लोगों के लिए, जो रांची से बाहर है और रांची के है जो उनको हो जाए, उनका हो जाए। आप जो वीडियो में गाड़ियां देख रहे हैं, अगर इसमें आपको कोई और गाड़ी भी चाहिए तो आपको मिल जाएगी, हमारा दो और ब्रांच है, एक नगड़ी में एक धनबाद में, अगर आप कोई सी भी गाड़ी चाहते हैं तो वो हम आपको दे देंगे। जो आप लोग को वीडियो में नहीं दिखा, आप लोग को रिक्वायरमेंट है लेना है और वो बाइक आप लोग को नहीं दिखा वीडियो में, वो बाइक भी आप लोग को मिलेगा, बस क्या करना है दिए गए नंबर पे कॉल करिए, सारा बाइक आप लोग को मिलेगा, सारा बाइक मिलेगा, ऑल ओवर झारखंड आप लोग को फाइनेंस मिलने वाला है यहाँ पे बाइक। अब मैं एक बार एड्रेस बता दीजिए फिर से लोगों को, ये इरबा में पड़ने वाला है, ये NH33 इरबा, इरबा, हाँ। अगर आप रामगढ़ के साइड से आते हैं तो मधुबन से 500 मीटर, अगर आप रिंग रोड तरफ से आते हैं तो मेदांता से 200 मीटर, मेयर मेदांता हॉस्पिटल, मेयर मेदांता हॉस्पिटल, ये बात याद रखिए। सो गाइस अगर आते हैं कुछ भी दिक्कत होता है तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर देना लाइक, अचानक कर देना सब्सक्राइब इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।